Assalamu alaikum. We'll be starting chapter number 4, Chemical Bonding. सबसे पहले we'll be covering detailed answers. जिसमें हमारे पास 9 questions हैं. Let's start. सबसे पहला question है, define ionic bond, discuss the formation of sodium chloride NaCl. Ionic bond क्या है? और sodium chloride की formation किस तरह, यानी sodium chloride किस तरह तैयार किया जाता है, वो बताना है हमें. Bonding उसके अंदर क्यों इस्तेमाल होती है, उसको explain करना है. आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ या एक एटम से दूसरे एटम की तरफ कम्प्लीटली ट्रांसफर हो जाता है. आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. सोडियम क्लोराइड क्योंकि ग्रुप पर ए का एलिमेंट है, इसका मतलब है उसके लास्ट शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. इसी तरीके से क्लोरीन क्योंकि ग्रुप 7a का एलिमेंट है, तो यानी उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स की होती है उनके पास. अब ताकि सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, उसे बेसिकली अपना लास्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन को देना होता है, ताकि जो उसका लास्ट शेल है वो एम्प्टी हो जाए और क्लोरीन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम्प्लीट होके 8 इलेक्ट्रॉन्स उसका ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाए. तो इस तरीके से जो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफर कर लेता है क्लोरीन के पास, तो ये आपस में एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट्स अटेन स्टेबिलिटी. एलिमेंट्स स्टेबिलिटी किस तरीके से हासिल करते हैं, अटेन मतलब हासिल करना. अब एलिमेंट को अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बेसिकली अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कम्प्लीट करना होता है, यानी कि जो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आखिरी शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, जब वो हासिल कर लेता है कंप्लीट ना ऑक्टेट या डुप्लेट को, तब वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है. तो मतलब ये है कि जब एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन या गेन करता है इलेक्ट्रॉन या म्यूचुअली शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, तो वह केमिकल बॉन्ड तैयार कर लेता है. उस केमिकल बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि जो एलिमेंट है वो स्टेबल हो जाता है. अगला सवाल हमारे पास है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एटम्स, एक्सप्लेन सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स विद एग्जांपल्स. यानी कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से 2 नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच में तैयार होता है वो एक्सप्लेन करना है. इसके अलावा सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ. सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड का एग्जाम्पल है या टाइप है जिसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं, वो कम्प्लीटली ट्रांसफर नहीं होता. नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच में जो एग्जाम्पल है वो ये है कि लेट्स सपोज क्लोरीन के अंदर क्या है कि लास्ट शेल के अंदर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब 2 क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड तैयार करते हैं, तो एक जो उनका इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों क्लोरीन आपस में शेयर कर रहे होते हैं. उससे क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है. उस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड इनके बीच में तैयार होता है, दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड. अब जो टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पे कितने शेयर होते हैं, उसके हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स होते हैं. सबसे पहला टाइप है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सिंगल से मतलब एक ही इसके अंदर बॉन्ड पे शेयर हो रहा होता है, और क्योंकि एक ही बॉन्ड पे शेयर होता है तो इसका मतलब है हम इसको सिंगल शॉर्ट लाइन से शो कर रहे होते हैं. यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में, और वही जब आपस में शेयर करते हैं तो सिंगल इनका बॉन्ड तैयार होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. डबल कोवलेंट बॉन्ड यानी कि जब 2 बॉन्ड पेयर्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों शेयर कर रहे होते हैं, तो आपस में जो इनका बॉन्ड तैयार होता है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इसको 2 शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं. यानी लेट्स सपोज हम ले लेते हैं एग्जांपल ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. 2 इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए क्या करते हैं, जैसे दूसरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे होते हैं. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ऑक्सीजन एटम ने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं, 4 बीच में हो गए और 4 उनके जो दूसरे लोन पेयर्स जो अलग से बाकी हैं, तो टोटल दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं. इसके बाद आते हैं आपस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 3 बॉन्ड पेयर्स आपस में शेयर हो रहे होते हैं, और इनको 3 शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन के लास्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो यानी कि उनको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। जब ये किसी के साथ रिएक्ट करता है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, यानी कि अगर लेट्स सपोज N2 बनाना होता है तो नाइट्रोजन आपस में जब रिएक्ट करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो इसको शो करने के लिए हम लोग 3 शॉर्ट लाइन्स शो करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, डिफाइन मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या है एंड हाउ आर मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड, मेटेलिक बॉन्ड तैयार कैसे होते हैं। सबसे पहले मेटेलिक बॉन्ड होते हैं जब मेटल के जो आयन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से मेटेलिक बॉन्ड होता है। यानी कि जब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की खासियत ये है कि मेटल्स पॉजिटिव आयन्स तैयार करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉजिटिव आयन्स हैं। इसके अलावा उनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से जो बॉन्ड तैयार होता है दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। यानी मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है कि जब मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेते हैं तो वो एक पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं। तो वो मेटल्स के जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं और बाकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनके इर्द गिर्द, उनके बीच में एक अट्रैक्शन पैदा होती है। तो उस अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड तैयार होता है उसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और 2 एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड पेयर होता है वो सिर्फ एक एटम की तरफ से मिल रहा होता है, यानी वन तरफा उनका शेयरिंग हो रही होती है। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनर कहते हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को उसको एक्सेप्टर कहते हैं। अब जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज जब अमोनिया हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट कर रहा होता है एसिड के साथ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड तैयार होता है। यानी NH3 हमारे पास है अमोनिया, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा होता है तो इसके पास क्या है, देखिए नीचे हमारे उसके पास लोन पेयर्स बाकी, यानी किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा होता। तो वो क्या करता है, एक हाइड्रोजन HCl के साथ शेयर कर लेता है और दूसरा वो क्लोरीन को दे देता है। वो इस तरीके से क्या होता है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तैयार होता है और अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl तैयार होता है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो H होता है हाइड्रोजन होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। यानी वाटर क्या करता है, एसिड जो भी उसके अंदर पानी के अंदर डाल देते हैं तो उसकी H के साथ वो रिएक्ट करता है और फिर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन यानी H3O आयन वो तैयार करता है। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर के बारे में आपको क्या समझ में आता है। अब जो आयनिक कैरेक्टर होता है कोवेलेंट बॉन्ड का बेसिकली ये होता है कि जो डिफरेंस निकल रहा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो वो डिफरेंस कैसे बताएगा आपको कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड में बताया जाता है कि जब हम एटम्स के माइनस करके डिफरेंस करके हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज निकालते हैं तो अगर 1.7 से कम आता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड तैयार करता है। इसी तरीके से अगर वो बिल्कुल जीरो आंसर देता है माइनस करने के बाद तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन अगर वो जीरो से बड़ा और 1.7 से छोटा होता है तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये दोनों जो है हमें बताता है कि कोवेलेंट बॉन्ड किस टाइप का है, तो ये इसका आयनिक कैरेक्टर होता है। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंशिएट द प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस हमें बताना है। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते, उसके अंदर मिक्स किया जाएंगे तो मिक्स फिर भी नहीं होगा वो। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, खासकर जब वो सॉलिड फॉर्म में हो, मोल्टेन यानी पिघले हुए फॉर्म में हो या एक्वस यानी पानी में डिसॉल्व के फॉर्म में हो, तो फिर वो तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, लाइक पेट्रोल के अंदर डिसॉल्व आएंगे या बेंजीन के अंदर डिसॉल्व आएंगे। इसी कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं दैट इज H2SO4, H2O, HCl, HF, HBr एंड HI। फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास आ जाता है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है लेकिन वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। वो यूजुअली जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अक्सर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाता है जिसकी वजह से वो आयन्स तैयार करते हैं।
और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं CO2, CH4, C2H6। चैप्टर का लास्ट सवाल है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूज एंड इपॉक्सी रेजिन इन अ सोसाइटी। ग्लूज और इपॉक्सी रेजिन किस तरीके से हमारे सोसाइटी के अंदर, डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होता है वो एक्सप्लेन करना है। ग्लूज बेसिकली सिंथेटिक एडहेसिव्स होते हैं, यानी सिंथेटिक यानी वो फैक्ट्रीज वगैरह में आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं। एडहेसिव्स यानी चिपकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक टाइप्स है पॉलीविनाइल एसीटेट जो होता है वो बुक बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग बाइंडिंग करवाते हैं बुक्स की तो उसमें जो ग्लू इस्तेमाल होता है वो पॉलीविनाइल एसीटेट होता है। जब शूज़ ख़राब हो जाते हैं उसके नीचे जो शूज़ सही करने के लिए जो ग्लू इस्तेमाल करते हैं वो पॉलीयूरेथेन होता है। एनवलप्स कुछ होते हैं जो अक्सर शादियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर सेल्फ एडहेसिव होता है, यानी थोड़ा सा लिक करने से वो चिपक जाता है, तो नेचुरल रबर बॉन्ड्स होते हैं वो। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए जो एडहेसिव इस्तेमाल किया जाता है वो कंडक्टिव एडहेसिव कहलाता है। ब्रिजेस और डैम्स तैयार करने के लिए इपॉक्सी रेजिन इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन पे जो टाइल्स वगैरह चिपकाने के लिए या रबर टाइल्स चिपकाने के लिए जो ग्लू इस्तेमाल होते हैं वो भी इपॉक्सी रेजिन होता है। व्हीकल्स, ट्रक्स, बोट्स या एयरक्राफ्ट तैयार करने के लिए भी इपॉक्सी रेजिन इस्तेमाल होता है। और इस तरीके से चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के डिटेल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।